आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा आपको पता है, फिलहाल मेरी एक बात नहीं सुनता। उसको जितना समझाने की कोशिश करूं आगे से कुछ ना कुछ बोल देता है, बदतमीजी करने लग जाता। जब भी वैसे तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे किस्मत तेरा साथ दे और तू इस घर पे ना राज करे, राज। ऐसा ही होगा अम्मा, किस्मत तो वैसे भी हसीना के साथ थी, पर ये घर भी हसीना का ही होगा। अम्मा ने तो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा हूं या मर गई। मासूमा मर चुकी है तुम उसके लिए। मर तो मैं उसी दिन गई थी उनकी नजर में, जब उन्होंने बेवफाई का इल्जाम लगाया था मुझ पर। जनाजा पढ़ा दिया उसने तुम्हारा। भाभी उसकी उम्मीद तो उसका बेटा ही है। आप उसे कहिए कि उसका बेटा उसे बहुत मिस करता है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। सच तुम जानती हो, बिलाल ने बहुत मिस किया तुम्हें। जब मैं उसको बताऊंगा ना कि तुम आई, वो बहुत खुश होगा। चले बिलाल से भी कर लेंगे बात, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मासूमा, 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 इधर आओ बैठ के बात करते हैं। चलो मासूमा, मासूमा, हाँ
इधर आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो आराम से। तुम ठीक हो ना? क्यों बचाया है मुझे? मर जाने दिया होता, कम से कम ये दुख तो नहीं देखना पड़ता। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं जीकर ये दुख नहीं सह सकती। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है अमर की बेवफाई। अमर के अलावा कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में? शायद भूल रही हो तुम, तुम्हारा अपना बेटा बिलाल। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में हसीना क्या हशर करेगी उसका? तुम्हें अपने लिए ना से फिलहाल के लिए तो जीना पड़ेगा ना, तो जरूरत है तुम्हारी। घर चलो मासूमा, चलो घर। बिलाल मेरी बात सुनो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करे, आप दोनों गंदे हैं। बिलाल बिलाल आर यू क्रेजी? निकाह तो पहले ही हो गया था, लेकिन कल ना साहब जी ने मुझे अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। अब तू देखना हमारे अच्छे दिन आने वाले। दिन आने वाले नहीं अम्मा, हमारे अच्छे दिन आ चुके। तुम्हें वहां जाना चाहिए। किस लिए जाऊं और किसके लिए जाऊं? वो जब मेरे नहीं रहे। मासूमा क्या हो गया तुम्हें? वो घर तुम्हारा है। ये गलतफहमी मुझे भी थी।
अम्मा हाय क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया सुबह सुबह क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रही है पागल हो गई है अम्मा मैं बहुत खुश हूँ बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ अम्मा तेरी बेटी की ना दिल की मुराद पूरी हो गई है तेरी बेटी ने ना सांप जी को पा लिया अम्मा वो निकाह तो पहले ही हो गया था लेकिन कल ना साहब जी ने मुझे अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर लिया या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी अब तू देखना हमारे अच्छे दिन आने वाले दिन आने वाले नहीं अम्मा हमारे अच्छे दिन आ चुके अब इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ हसीना का राज होगा आज ना सारी जगह न्याज बांटूंगी आज तेरा जो दिल चाहे ना तू वो करना तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में उस नर्स को भी ना मैंने काबू कर लिया और कह दिया कि जल्द अज जल्द उस बुढ़िया को लुटकाने वाली करे जैसे ही वो बुढ़िया लुटकेगी ना इस पूरी हवेली पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा ये पूरी हवेली सिर्फ मेरी होगी है मेरी नहीं हमारी होगी क्या हो गया तुझे क्या हो गया दिमाग ठीक है तेरा फजूल के हिस्सेदार बनने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा आई बड़ी हमारी हो जाएगी इतनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ हासिल किया है सब कुछ मेरा है ये हवेली भी साहब जी भी ये सारी जायदाद भी किसी को इतनी आसानी से नहीं देने वाली मैं सब कुछ आई समझ मुफ्त में ना हिस्सेदार बनने की जरूरत नहीं है रखा हुआ ना शुक्र अदा कर आई बड़ी मेरी बड़ी कोई बेदीद लड़की है भाई अभी हवेली मिली नहीं दौलत मिली नहीं आंखें पहले अपने मत्थे पे रख ली सारे कामों में साथ दिया था मैंने तेरे अकेली नहीं कर रही थी तू सब कैसी फिर गई है मामा मैं बहुत शर्मिंदा अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं तो मासूमा को वहा के लेक्चर्स देता था और खुद ही उसे बेवफाई कर डाली मैं मामा खुदा गवाह है कि ये सब कुछ मुझसे अनजाने में हुआ बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने माफ कर दे भूल हुई लेकिन इस भूल को भी मैं भूलने से भूलने नहीं दूंगी साहब जी पूरा पूरा हिसाब बराबर करूंगी आपसे I'm really sorry, ma'am. तुम्हें वहां जाना चाहिए किस लिए जाऊं और किसके लिए जाऊं वो जब मेरे नहीं रहे मासूमा क्या हो गया तुम्हें वो घर तुम्हारा है ये गलतफहमी मुझे भी थी देखो तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी सास को तुम्हारी जरूरत है और तुम इतनी आसानी से उसे अपनी जगह लेने दो वो इतनी आसानी से मेरी जगह ले चुकी है और रही बात बिलाल की तो उसे तो वो पहले ही अपने ट्रांस में ले चुकी थी सहेली के सामने मैं उसे नजर ही कब आती थी रही बात अहमर की अब तो उनकी मोहब्बत ही पराई हो गई ट्रस्ट मी मासूमा ऐसा कुछ नहीं मेरे ख्याल में तुम्हें वहां वापस जाना चाहिए और अपनी जगह वापस लेनी चाहिए
इतनी आसानी से हसीना के हाथों तुम अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने घर को बर्बाद होने के लिए कैसे छोड़ सकती हो? खैर, तुम्हारी मर्जी है। दोस्त होने के नाते मेरा काम था तुम्हें समझाना, वो उन्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। बड़ी आसानी से गलती करके जान छुड़ा के जाने वाली कर ली इन्होंने। इतनी आसानी से मैं जान नहीं छोड़ने वाली इनकी। ना क्या करेगी अब तू? हसीना नाम है मेरा, वो करूंगी ना इनके साथ के याद रखेंगे। तुझे तो पता है अगर अपनी आई पे उतर आऊं तो सारी हदें पार कर जाती हूँ, सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी मैं। बात सुन, ज्यादा ना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा ना हो कि तेरी किसी बेवकूफी की वजह से हम इस हवेली से निकाले जाएं। इतनी आसानी से साहब मुझे इस हवेली से नहीं निकाल सकते। बड़ी मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। ज्यादा ना हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं मुंह के बल गिरी पड़ी हो। हसीना नाम है मेरा, कोई बेवकूफ नहीं हूं मैं। बड़ी सोच समझ के सारे फैसले करती हूँ, और इन पे तो ऐसा वार करूंगी ना जिसका कोई तोड़ ही नहीं होगा इनके पास। देखती जा तू। हसीना, हसीना बात सुन, अब पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है, दिमाग ही सही नहीं होता इसका। मेरी मम्मा के रूम में क्या कर रही थी वो? तेरी मामा का नहीं, अब वो मेरा कमरा है। नहीं, वो मेरी मम्मा का कमरा है। तेरी मम्मा का कमरा नहीं है वो, तेरे पापा ने मुझसे शादी कर ली है अब। नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई, शादी करने में कौन सी बुराई है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मा वही है जो अल्लाह के पास चली गई है। मुझे तेरी मामा बनने का कोई शौक भी नहीं है, तो साहब जी की बेगम बनना था, वो मैं बन गई। देख, इतनी जिद करना भी ना अच्छा नहीं होता। जल्दी से खाना खा ले, अगर तुझे ये नहीं खाना तो मैं तेरे लिए कुछ और ले आती हूँ। तो मेरा शहजादा है ना, चल जल्दी से बता क्या बना कर लाऊं अपने छोटे साहब के लिए। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। देख, इतनी बदतमीजी करना भी ना ठीक नहीं होता, बता दे कुछ और खाएगा तो मैं ले आती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। इतना सा है लेकिन जबान इसने पूरी चलानी है। मुझे मेट बोलता है हसीना को, इसको तो अब मैं बताऊंगी। मौका मिलने दो, अगर इसके होश ना ठिकाने लगा दिए ना तो मेरा नाम भी हसीना नहीं है। मेट बोलेगा मुझे। आप बहुत गंदे, आप जाए यहाँ से। आप मेरे बाबा नहीं, आप बहुत बदल गए हैं। बिलाल, आप कैसे अपने बाबा के लिए इस तरह के अल्फाज यूज कर सकते हैं? मेरी मामा के
कैसे बन सकती है? कैसे? बिलाल, कोई और आपकी मामा नहीं, आपकी मामा सिर्फ मासूम है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम आपने क्यों किया ऐसा? देखें, वो इस घर की टेक केयर करने वाली सिर्फ एक मुलाजमा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपकी दादू ठीक होते तो मुझे ये स्टेप कभी भी ना लेना पड़ता। भी आप बच्चे हैं, भी आपको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। मैंने जो भी स्टेप लिया है वो मजबूरी में लिया। आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बिलाल, बिलाल प्लीज, बिलाल। दादो, रुक जाए ना दादो। आप तो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। आपका बिलाल अकेला हो चुका है, मामा भी चली गई, भाई भी चले गया। अल्लाह साईं का बड़ा करम है मुझ पे। आज तक जो खेल खेला है ना, हमेशा कामयाबी मिली। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा हुआ होगा मेरा कोई मंसूबा या काम हुआ। दादो, रुक जाए ना दादो। आप तो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। आपका बिलाल अकेला हो चुका है, मामा भी चली गई, भाई भी चले गया। दादो उठे ना आप। आपको पता है दादो, बाबा ने मेट से शादी कर ली है। मेट कहती है कि वो मेरी मामा बन चुकी है और बाबा भी बदल चुके हैं। दादो उठे ना प्लीज, उठे ना दादो। दादो उठ जाए, दादो उठे ना, दादो प्लीज उठ जाए, दादो उठे, आप उठ जाए ना दादो। वैसे तुम्हारी प्लानिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। बस कभी गरूर जो नहीं किया, अल्लाह साईं का बड़ा करम है मुझ पे। आज तक जो खेल खेला है ना, हमेशा कामयाबी मिली। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा हुआ होगा मेरा कोई मंसूबा या काम हुआ, कभी नहीं। तुम्हारी जैसी छप्पन छुरी नाकाम कैसे होगी? अब बाप और बेटे के दरमियान दूरी पैदा करके तुम इस घर पे कब्जा करना चाहती हो ना? इस घर पे कब्जा मैं कर चुकी हूँ। रही बात बाप बेटी की दूरी की, तो वो मेरा काम नहीं है, वो तो मासूमा के मरते ही हो चुकी थी। मुझे तो बस बहती गंगा में हाथ धोने। हसीना तो वैसे भी हवा का रुख है, कभी इधर चली कभी उधर चली, नफ्स कैसे देखते हैं? मुझे अच्छी तरह आता, और किसको क्या दवा देनी ये भी मैं खूब जानती।
हाँ भाई, कैसी तबीयत है इसकी? बहुत सख्त जान है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जाने का कोई इरादा रखती हैं। सख्त जान तो है ये, कैसे बार बार इसका दिल टूट के उभर जाता है ना? ऐसे जितने जुल्म इसने मुझ पे किए हैं ना, मौत भी इतनी आसानी से इसको कबूल नहीं करने वाली। लेकिन मेरी बात सुन, ये सब ना अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। तो क्या चाहती हो तुम, बता दो, जो बोलोगी कर दिया जाएगा। एक बात को 100 दफा बोलूं, पहले बता चुकी हूँ। वो तो सिर्फ बात थी, मैं हर काम लिखत पढ़त के साथ करती हूँ। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं तुझे अभी लिख के दूं, दस्तखत करके दूं कि इस बुढ़िया को मार दो है? मेरे कहने का मतलब था, अब अगर कोई हवा में फायर कर दे तो हम अपना सर तो पेश नहीं कर देंगे ना कुर्बान होने के लिए। कहना क्या चाह रही है तू भाई? बात बहुत सादा सी है, एक हाथ इसकी मौत का परवाना और दूसरे हाथ 10 लाख। मरो नहीं, कह दिया है ना तो दे दूँ। फीना अपनी जबान की बड़ी पक्की है, जो कहती है ना वो करके दिखाती है। वो तो मैं जानती हूँ तुम कितनी जुबान की पक्की हो। तो फिर कब करना है ये काम? जितनी जल्दी तुम रकम अदा करोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो फिर ठीक है, इस जुम्मे को इस बुढ़िया को लुड़का दे। वैसे भी नमाजी औरत थी, इसका जनाजा पढ़ने तो पूरा गांव आया। तू तो कई बढ़िया। शन्नो, तेरे पास कोई सफेद जोड़ा है? सफेद जोड़ा? नहीं। तू ना सदा की गरीब ही रहना, ढंग का एक जोड़ा भी नहीं है तेरी अलमारी में। बेगम साहिबा, सफेद जोड़े का क्या करना है? वो ना बेगम साहिबा है ना, उनकी मैयत पे पहनना है। लेकिन मैं तो अभी उनको देखकर आ रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ थी तो वो बिल्कुल ठीक ही, लेकिन अब इस जुम्मे को ना उनकी रवानगी करवा रही हूँ मैं। मैं तो चाहती थी कि ये बुढ़िया खुद ही मर जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो चाहती है कि वो मेरे हाथों कत्ल हो। तू तो ऐसे मर रही है जैसे ही सगी पुप्पी है वो। बात सुन, अच्छे से ना सफेद जोड़े की तैयारी कर ले, कोई काला पीला जोड़ा पहन के नहीं आ जाना मैयत पे। अम्मा समेत हम सब सफेद जोड़ा ही पहनेंगे, समझी? मुझे ये बात साहब को बतानी चाहिए। साहब जी, साहब जी मुझे आपसे एक बात करनी है। जी शानू बोले, क्या बात है? वो साहब जी, वो चाय यहीं पे ला दूं आपको या फिर अंदर कमरे में पियेंगे? नहीं अभी तो चाय नहीं पीनी मुझे, बाद में पीऊंगा। शानू आप कुछ कह रही थी। जी साहब जी, वो मैंने इसको भेजा था आपसे ना चाय का पूछ लिए। ठीक है, चाय रूम में ले आइएगा। जी मैं अभी लेकर आती हूँ।
पता था मुझे तेरी असलियत का। बाहर खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी ना तू, पता था तू यही करेगी। जानबूझ के नहीं बोला क्योंकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। शर्म नहीं आई ये करते हुए तुझे? माफ कर दे बेगम साहिबा जी, असल में इतने सालों से इनकी नमक हलाली की है ना, तो बस इस वजह से मैं डर गई थी। देख शन्नो, अगर तुझे नमक हलाल करना है ना, तो फिर इस हवेली में तो तेरी कोई जगह नहीं है, समझी? अब खुद सोच ले, अपनी वफादारियां बुझते चिराग के साथ निभाएगी या फिर वो जैसे चढ़ते सूरज के साथ? आप ही के साथ करूंगी। ठीक है, कर लेती हूँ तुझ पे भरोसा, लेकिन याद रखना आइंदा अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, तो तुझे मिनटों में यहाँ से निकाल दूँ, समझी? वो बुढ़िया ना मौत के मुंह में, तेरी नई मालकिन अब मैं हूँ। मेरे साथ वफादारी निभाएगी तो तुझे आसमान पे पहुंचा दूंगी। वरना मट्टी में मिलाने में तुझे पता ही है मुझे देर नहीं लगती। मेरा फोन नहीं उठाती, मेरा जैसे हर बुरे वक्त में इसका साथ दिया और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। अगर कोई बंदा फोन नहीं उठा रहा ना, तो इसका मतलब है वो मसरूफ होगा। वाह ला साई वाह, कल की नुकरानी और आज मसरूफियात के भाषण दे रही है। हाँ तो तू भी कल कातिल ही था, आज काले लकड़ा के चलता है बड़ा। क्या जिताना चाहती है कि ये सारी तेरी जूतियों के तफेल है? सच तो वही है जो मुंह से निकलता है। अरे बस बस, ज्यादा दिमाग शॉर्ट मत कर, मुद्दे पर आ। तू और माँ वहाँ ऐश कर रहे हैं और मैं यहाँ मट्टी चाट रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैं क्या करूँ फिर, अब बंदा माजी से तो नहीं बच सकता ना। तू भी अपनी इस बात पे कायम रहना फिर, तुम्हारा भी माजी को चीफ मिनिस्टर जैसा नहीं है। तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी नहीं देता मैं, मैं जो कहता हूँ ना कर गुजरता हूँ। आ रहा हूँ मैं, पैसों का इंतजाम करके रखना। या तो तू मेरे हाथ में पैसे रखेगी या तो मेरे हाथों जलील होकर अपने साहब के घर से निकाली जाएगी। अब फैसला तुमने करना है। मुराद तू पा, मुराद मैं किधर से लेकर आऊंगी पैसे? चाहे लो क्या, ये तो बहुत बुरा हूं ना, ना अच्छा शौहर बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, किसी को भी खुश नहीं रख पाया ना मैं। मासूमा प्लीज जवाब दो, मासूमा बताओ ना मुझे, प्लीज़।